कोविड-19 वैश्विक महामारी के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पूरे प्रदेश में 2 दिन के लिए किए गए लॉकडाउन का प्रभावी रूप से पालन कराने के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह बैरिकेडिंग कर बेवजह बाहर निकल रहे लोगों को रोककर उनसे बाहर निकलने का कारण पूछने के पश्चात जरूरी होने पर उन्हें छोड़ा जा रहा है, अन्यथा उन्हें चेतावनी देते हुए वापस भेज दिया जा रहा है। वहीं इस संबंध में SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि पूरे प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शुक्रवार की रात 10 बजे से ही सोमवार की सुबह 5 बजे तक के लिए फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी के लिए आने जाने की ही छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि इन 2 दिनों के दौरान कोई भी बिना आकस्मिक सेवाओं के बाहर घूमता मिला तो पुलिस प्रशासन उससे सख्ती से निपटेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, जैसा कि आपको पता ही प्रदेश सरकार की तरफ से 2 दिन का लॉकडाउन दिया गया है, जिससे कि पूरी सार्वजनिक स्थलों में सैनिटाइजेशन हो सके और जो कोरोना की चेन है वो ब्रेक की जा सके। गोरखपुर में कोतवाली सर्किल हाईली इफेक्टेड है, वहाँ काफ़ी सारे हॉटस्पॉट बन गए हैं, इसलिए DM साहब के आदेश से वहाँ 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन दे रहे हैं। और लोगों को ये समझना चाहिए कि कोरोना की कोई इलाज नहीं है और इससे बचाव ही इलाज है। तो मैं लोगों से गुजारिश करूँगा अपने अपने घरों में रहें, काफ़ी दिन से 2 महीने से खुला ही था, अब फिर से एक जो है चेन को ब्रेक करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, जो लॉकडाउन की अवहेलना करेंगे उनके खिलाफ FIR 188 की FIR जरूर दर्ज होगी और उन्हें कोर्ट में फिर भुगतना पड़ेगा।